बारात के लिए कार, घोड़ी और बग्घी काफी पुरानी हो गई हैं। अब लोग जेसीबी से बारात लाते हैं। ऐसा ही मामला एमपी के बैतूल से सामने आया है। एक दूल्हा खुद जेसीबी पर बैठकर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। अपने दोस्तों के साथ ही जेसीबी पर डांस भी किया। राजगढ़ में टाटा कंसल्टेंसी में कार्यरत सिविल इंजीनियर अंकुश जायसवाल की शादी बुधवार को पाड़न निवासी संजय मालवीय की बेटी स्वाति के साथ थी। जनवासा से मंडप पहुंचने के लिए दूल्हे के घर वालों ने दूल्हे के लिए घोड़ी का इंतजाम किया था, लेकिन दूल्हे ने घोड़ी पर बैठने से इनकार कर दिया। कहा कि वह जेसीबी पर बैठकर ही मंडप तक जाएगा। दूल्हे अंकुश ने भास्कर को बताया कि वह सिविल इंजीनियर है, काम की वजह से रोजाना जेसीबी का उसे काम पड़ता है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वह इसी मशीन पर अपनी बारात निकाले। ये काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग भी था, इससे उनका काम के प्रति प्यार भी दिखेगा। अंकुश के बड़े भाई पंकज का कहना है कि उन्होंने घोड़ी भी बुलवाई थी, लेकिन जब दूल्हे ने घोड़ी चढ़ने से मना करते हुए जेसीबी का प्रस्ताव रखा तो एक बार वे भी सोच में पड़ गए। शिक्षक पिता रामदत्त जायसवाल से इसकी अनुमति ली, फिर दूल्हे को जेसीबी पर ही बैठा कर बारात निकाली। ट्रेंड चल रहा है कि थोड़ा सा हटके करना या कुछ भी ना किया शादी में, कुछ दूल्हे की एंट्री कुछ एक नए ट्रेंड पे होना। मैं उसी फील्ड से रिलेटेड हूँ, जेसीबी, बुलडोजर, वर्कर, पोकलेन, सबसे मेरा कांटेक्ट बना ही रहता है मशीनरी से, तो इसीलिए मैंने जो सोचा कि क्यों ना जेसीबी पे अपनी बिनाकी निकाली जाए। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।